जय हिंद। इससे पहले के क्लास में हम आपको परागण और निषेचन बता दिए थे। निषेचन के फल स्वरूप फल कैसे बनते हैं, फल कहाँ बनता है, फल के प्रकार कितने होते हैं, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल, सरल फल, समूह फल, मांसल फल, ड्राई फ्रूट, ये सब के प्रकार क्या होते हैं, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, आपको हम बीच से पहले के वीडियो में बता दिए थे कि जो परागण होता है वो वर्तिकाग्र तक होता है यहाँ पर, और जब ये परागकण अंदर चले जाते हैं तो अंडाशय में क्या होता है, निषेचन। तो निषेचन के फलस्वरूप फल बनते हैं। तो पहला पूछेगा फल कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। अब कहेगा कि फल किसे कहते हैं, तो परिपक्व अंडाशय यानी पूरी तरह से मैच्योर अंडाशय को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। ये अंडाशय यानी ओवरी की बाहरी दीवाले उस फल की छिलके का रूप ले लेती है। फल कहाँ बनेगा, अंडाशय में बनता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी के नाम से जानते हैं। दो नाम होता है इसका, दोनों नाम होते हैं सब। फल का कहेगा कि मेन काम क्या होता है, तो फल का मुख्य काम जो होता है, जो बीज है, बीज को सुरक्षा देना ताकि अगली पीढ़ी को उत्पन्न किया जा सके। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये तो फल हो गया। फल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इसके कई अलग अलग वो होते हैं नापने के तरीके। देखिए, अगर आप बात करेंगे फलों के प्रकार, तो सबसे पहले निषेचन के आधार पर यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इसी आधार पर फल तीन प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू फल या ट्रू फ्रूट या सत्य फल यानी ओरिजिनल फल, यानी सत्य कहने का मतलब जो जेन्युइन रास्ते पे चल रहा है। अगर किसी भी फल का निषेचन अंडाशय में होगा तो उसे हम कहेंगे सत्य फल। दुनिया के 95% फलों का निषेचन अंडाशय में ही होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सत्य फल के नाम से जानते हैं। जैसे आम, जामुन, 90% जितने फल आप देख रहे हैं, 90% फल कहाँ उसके निषेचन होते हैं, अंडाशय में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल। अब बात करते हैं असत्य फल किसे होते हैं। असत्य फल कैसा होता है कि वैसा फल जिसमें परागण के फल स्वरूप परागकण यहाँ तक तो आ जाए, परागकण अंडाशय में भी पहुँच जाए, लेकिन उसके बाद ये फल झड़ के खत्म हो जाए और वह परागकण कहाँ पहुँच जाए, ये इसके अंदर पहुँच जाए, अंडाशय में ना पहुँच के नीचे पुष्पासन यानी थैलेमस में पहुँच जाए। और अगर निषेचन थैलेमस में हो गया तो उसे हम सत्य फल नहीं कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, फाल्स फूड। इसे हम कूट फल भी कहते हैं, असत्य फल या झूठा फल, झूठा नहीं, झूठा फल कहते हैं। तो असत्य फल का निषेचन कहाँ होता है, एकदम निचले भाग यानी पुष्पासन में। उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सेब होता है। देखिए, जब सेब का फल लगता है, फूल लगता है, तो फूल का जब परागण होता है तो अंडाशय के नीचे पहुंच जाता है वो पुष्पासन में, और पुष्पासन में फल बनता है, तो ये क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं। जबकि आप बात करेंगे आम का, तो आम एक सत्य फल होता है, इसका जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। ये जामुन भी कैसा है, सत्य फल। अब आपको एकदम प्रैक्टिकली देखना है तब तो फिर आपको भैया वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, मतलब आपको माइक्रोस्कोप से लेकर पेड़ के पास बैठना पड़ेगा, उसको एक प्रतिदिन उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी कि सत्य है या असत्य है। अब इसमें समझिए ध्यान से, तो दो टाइप का फल समझ में आ गया आपको। एक हो गया अगर अंडाशय में हुआ तो सत्य, नीचे हो गया तो असत्य। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि निषेचन होता क्यों है, मादा का जो अंडा है वो अंडाशय में है और इसी से आके परागकण को मिलना होता है, इसीलिए ना निषेचन होता है। अगर हम इस फूल को उल्टा कर दें, जहां हम फूल को उल्टा करेंगे तो इस मादा अंडाशय में उपस्थित अंडा डगर के कहाँ चला जाएगा, इस मुंह पे चला जाएगा। अगर फूल उल्टा कर दे तब ये मुंह पे चला जाएगा। और आपको पता है कि पराग कण का यहाँ तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो अगर कोई फल उल्टा लगा हुआ है तो उसमें जो अंडा है वो डगर के कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र तक चला जाएगा। और परागण जैसे होगा ना, तो वहीं पे लगले लगली उदम तुरंत परागण के साथ साथ निषेचन हो जाएगा, यानी एक ही काम से दो चीज़ें हो जाएंगी, परागण के साथ साथ निषेचन भी हो जाएगा। तो ऐसे फल को हम कहते हैं कि भैया इसमें अलग से निषेचन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ी, परागण से ही निषेचन संपन्न हो गया और परागण भी संपन्न हो गया। ऐसे फल को हम कहते हैं अनिषेच फल या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें फल उल्टा लगा होता है, जैसे आप केला समझेंगे, केला, केला का फल आप देखेंगे तो केला का फल जो होता है ना उल्टा लगा होता है। अब देखिए इसका फल उल्टा लगा होता है और इसमें परागण के साथ साथ ही निषेचन हो जाता है। तो हम लोग फलों को निषेचन के आधार पर कितने भाग में बांट दिए, तीन भाग में बांट दिए। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, असत्य फल में सेब का पूछता है, सेब कैसा फल है, असत्य फल।
अब हम ये समझते हैं बनावट के आधार पर फलों को कितने भाग में बांटें। निर्माण के आधार पर अब हम फलों को फिर से तीन भाग में बांटते हैं कि फल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सरल फल किसे कहते हैं? वैसा फल सरल फल कहलाता है, सिंपल फ्रूट कहलाता है, कि जब एक फूल से एक फल बने तो उसे हम कहते हैं सरल फल। यानी एक फूल से एक फल बनेगा तो सरल फल। जैसे आप केला, ये अमरूद देख सकते हैं, अमरूद में एक फूल लगेगा और एक फूल से वही अमरूद धीरे धीरे बड़ा होगा, पूरा बड़ा सा अमरूद बन जाएगा। तो एक फूल लगा और एक फूल से एक ही अगर फल लगता है तो उसे कहते हैं सरल फल। आम भी देखेंगे, जितना ज़्यादा मोजर लगेगा उतना ज़्यादा आम खिलेगा, जितना कम मोजर लगेगा उतना ही कम आम होगा। तो एक फूल से एक फल निकला तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल फल। अब समूह फल क्या होता है? एक ही फूल खिलेगा और उससे कई ज़्यादा फल लग जाएंगे, एक के फूल से कई ठो हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समूह फल। पूरे ग्रुप में रहते हैं सब। इसका आप एग्जाम्पल देखिएगा, समूह फल का एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या आ जाएंगे सर? रसभरी, जिसके आप मक्को कहते हैं, एक फूल लगेगा कई ठो हो जाते हैं सर। मदार, जिसको आकरा कहते हैं, मदार बचपन में आप लोग देखते होंगे, भुआ उड़ के जाता होगा, इसका पेड़ एक फूल लगेगा उसमें कई सारे फल लग जाते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी फूल एक ठो लगते हैं और उसी एक फूल से कई ठो स्ट्रॉबेरी निकल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समूह फल। अब देखिए तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है ना, संग्रथित फल। संग्रथित फल के बारे में समझिए, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम आपको बताए थे कि फल का निर्माण जब भी होता है तो वो अंडाशय में होता है और बाकी की चीज़ें झड़ के गिर जाती हैं। लेकिन वैसा फल जिसमें फल का निर्माण तो होता है लेकिन बाकी के जो बाह्य दलपुंज है बाहर का कैलिक्स और कोरोला, ये झड़ते नहीं बल्कि उसी फल में बाहर से चिपक जाते हैं, जिससे कि उस फल का छिलका बहुत ही मोटा हो जाता है। तो ऐसे फल को हम संग्रथित फल के नाम से जानते हैं। तो संग्रथित फल में आपको अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज भी भाग लेने लगता है तो ऐसे फल को हम संग्रथित फल के नाम से जानते हैं। आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो कटहल हो जाएगा, कटहल के फल का छिलका बहुत मोटा होता है। अनानास, ये भी होता है संग्रथित फल, इसके छिलके बहुत ही मोटे होते हैं, बाहर से कई बहुत मोटी परत होती है। फलों के प्रकार को आप निषेचन के आधार पर तीन भाग में बांटें और बनावट के आधार में तीन भाग में बांटें फलों को। टोटल कितने प्रकार के फल देख लिए आप लोग? एक तरह से कहेंगे तो छह प्रकार के फल देखें। अब हम समझते हैं फल के भाग क्या होते हैं, जिसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। अब पेरिकार्प के आधार पर फल दो भाग में बटेगा, एक जाएगा फ्लेशी फूड जिसे हम कहते हैं मांसल फल और एक होता है ड्राई फूड जिसे हम कहते हैं शुष्क फल। अब उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, अब फल भित्ति क्या होता है? इंग्लिश में फल भित्ति को हम पेरिकार्प कहते हैं, यानी फल के कितने भाग होते हैं। तो पेरिकार्प के तीन भाग होते हैं। देखिए, फल का जो छिलका होता है, छिलका के जस्ट अंदर का भाग, ये छिलका के जस्ट जो छिलका से सटा हुआ भाग है उसे कहते हैं हम लोग एपिकार्प, जिसे हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति। छोटे बच्चों को देखिएगा, आम दे दीजिएगा खाने के लिए तो खाएगा, फिर छिलका पकड़ के इसे चूसेगा, पूरा खींचेगा, दांत से फाड़ देगा छिलके, तो वो क्या नोच ले जाना चाहता है? पूरा एपिकार्प को साफ करता है। हम लोग जब बेल खाते हैं तो बेल का जो बाहर का जो कड़ा वाला छिलका होता है, तो चम्मच से जिसको खखोर खखोर के आदमी निकालता है तो क्या खखोरता है? एपिकार्प। समझ में गया? जबकि ज़्यादातर फलों का हम लोग क्या खाते हैं? मीसोकार्प, यानी बीच वाला भाग, जो छिलका से सटा है आदमी उसको फेंक देता है और जो गुठली से सटा है उसको भी फेंक देता है, बीच वाला ही खाता है। तो बीच वाले भाग को कहते हैं मेसोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति, और जो गुठली से सटा रहता है उसे कहते हैं इंडोकार्प, यानी आंतरिक फल भित्ति। छोटे लड़कों को देखें ना, गुठली लेकर चबाते रहता है, पूरा चूसेगा, पूरा गिर जाएगा तो फिर उठा के खा लेगा धो के, तो पूरा पूरा गुठली चूसता है। तो गुठली से जो सटा हुआ भाग है उसे कहते हैं इंडोकार्प, बीच वाला भाग है उसे कहते हैं मीसोकार्प, और जो बाहरी भाग है उसे कहते हैं हम लोग एपिकार्प। इन तीनों कार्प को मिला देते हैं तो कहते हैं पेरिकार्प, यानी फल भित्ति। फल भित्ति कितने प्रकार की? तीन: बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। इस आधार पर फलों को हम दो भाग में बांटते हैं। वैसा फल जिसमें ये तीनों भाग आपको दिख जाए या तीनों भाग में अंतर पता चल जाए उसे हम लोग कहते हैं फ्लेशी फ्रूट, यानी मांसल फल, जैसे अमरूद, केला, आम इटीसी। अब कुछ ऐसे फल होते हैं जो सूख के एकदम टटा आ जाते हैं, एकदम सट जाते हैं सूख के, पते नहीं चलता है ससुरा कौन मीसोकार्प है कौन एंडोकार्प है, उसे हम लोग कहते हैं सूखल फल, एकदम सूख गया है, ड्राई फ्रूट।
ड्राई फ्रूट को ही हम कहते हैं मेवा। जैसे आप लीची, आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखिएगा अंगूर का। अंगूर जब पेड़ पे रहता है जिसको हम फल के रूप में खाते हैं वो फ्लेशी फ्रूट रहता है। अंगूर का छिलका भी होता है, देखिएगा ना कुछ कुछ नखरा करने वाली लड़कियां होती हैं ना, तो अंगूरवा का छिलकवा नोच के खाती हैं, दिखाने के लिए नोच के खाती हैं सब कि हम बहुत ही एलीट क्लास के लोग हैं, हमको देखो हम कितने मतलब एडवांस है कि अंगूर का छिलका नोच के खाते हैं। अरे बाप रे, तो देखिएगा वो जो छिलकवा नोचते हैं लोग वो क्या हो गया, ईपिकार्प हो गया। और जो अंगूर खाया जाता है मेन भाग वो क्या हो गया, मीसोकार्प हो गया। अंगूर में भी छोटे छोटे बिया होते हैं वो इंडोकार्प में चले जाते हैं, लेकिन जब आप उसी अंगूर को सुखा देते हैं तो वो बन जाता है किशमिश। अब वो फ्लेशी फ्रूट से चला या ड्राई फ्रूट में, अब किशमिश में क्या पता चलेगा, छिलका छोड़ाइएगा सब तो आपस में सूख गया है, तो काजू किशमिश गरी छुआड़ा एकदम सूख गए हैं सब, तो वो किस में चले जाते हैं, ड्राई फ्रूट यानी मेवा में। और अगर ये पूरे पार्ट्स अलग अलग हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेशी फ्रूट। तो इस आधार पर फिर आप फल को बांट सकते हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। जय हिंद।